ये कोर i5 का 5th जनरेशन का मॉडल है, 500 GB इसकी स्टोरेज है, 8 GB की रैम है, ओरिजिनल फ्रंट कैम है, स्क्रीन साइज़ वगैरह आप देखें बेहतरीन है, कंडीशन आप देखें साफ़ सुथरी कंडीशन है, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन का ये मॉडल है। डेल की ये सीरीज़ है, 5th जनरेशन है, ये आपको हम दे देंगे 40,000 के अंदर, 40,000 जी, 40,000 रुपये में दे देंगे, बेहतरीन चीज़ है ये, आपको मॉडल मिल जाएगा। ये i3 का जनरेशन 4th है, 4 GB रैम, 500 GB स्टोरेज के साथ ये आपको मॉडल मिल जाएगा, बेहतरीन चीज़ है। 15.6 स्क्रीन साइज़ है, न्यूमेरिक कीबोर्ड वाला मॉडल है, 15.6 इसकी स्क्रीन साइज़ है, ये आपको हम दे देंगे 32,000 के अंदर, 32,000 रुपये में दे देंगे आपको। 4 GB रैम है इसके अंदर, 500 GB स्टोरेज है, 4 GB रैम और 128 GB वाला वेरियंट मिल जाएगा। लिनोवो की ये मशीन है, स्लिम स्मार्ट सी मशीन है, ये भी कोर i5 की 7th जनरेशन है, 8 GB इसके अंदर रैम है और 128 GB NVMe लगी हुई है इसके अंदर, 500 GB वाला वेरियंट मिल जाएगा, थंब प्रिंट दिया हुआ है इसके अंदर बायोमेट्रिक के लिए, और कोर i5 का 7th जनरेशन का ये मॉडल है, 8 GB DDR4 की रैम है, ये मॉडल बहुत मुनासिब पैसों के अंदर स्लिम स्मार्ट सा मॉडल है, पैसों की अगर आप बात करें तो हम ये दे रहे हैं 45 के अंदर, 45 कंडीशन आप देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन है। ये 17 इंच डिस्प्ले, ये 25,000 रुपये का पड़ेगा आपको, 2nd जनरेशन की मशीन है, क्रिस्टल बड़ा इसका डिस्प्ले है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रोड रिपोर्टर्स। तो इस वक्त मैं लैपटॉप की एक शॉप पे मौजूद हूं, शॉप तो वैसे नहीं है, इसको ऑफिस भी कहा जा सकता है। ये लैपटॉप की सबसे बड़ी मार्केट है कराची के अंदर, जो रीगल ट्रेड स्क्वायर है, और यहां पर 8th फ्लोर पर वाकई इनकी ऑफिस है, जहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम के लैपटॉप हैं जो इनके पास मौजूद हैं। उनका कहना यह है कि इनके पास जो लैपटॉप की कीमतें हैं वो काफ़ी बेहतर हैं अलग जगहों से। तो किस हिसाब से यहाँ पर ये कितने का यहाँ लैपटॉप सेल कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बताएं अपनी कहाँ पर है आपका ऑफिस? आसिफ भाई, हमारी शॉप जो है, ये शॉप कह लें ऑफिस कह लें, ये रीगल पे है, 8वां फ्लोर, ऑफिस नंबर 819, रीगल पे स्किन हॉस्पिटल चमड़ा अस्पताल जिसे कहते हैं, बहुत मशहूर है, स्किन हॉस्पिटल है लेकिन चमड़ा अस्पताल के नाम से मशहूर है, उसी के बिल्कुल बराबर में ये हमारी बिल्डिंग है, रीगल के नाम से, रीगल ट्रेड स्क्वायर के नाम से, 8वां फ्लोर है, ऑफिस नंबर 819 है, और इसके अलावा 12:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हमारी शॉप टाइमिंग है। व्हाट्सएप पे आप जब भी चाहें हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं बता भी देता हूँ, 0000333873393 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके अलावा एक और नंबर भी है 0331929462, ये भी हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके जो भी डिटेल लैपटॉप की आपको चाहिए, अभी भी मैं आपको बता दूंगा कि वीडियो स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन लैपटॉप की डिटेल बताता हूँ, जो भी लैपटॉप आपको पसंद आए, समझ में आए, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा भाई, जैसे कि ये लैपटॉप है, ये कोर i5 का 7th जनरेशन का लैपटॉप है, स्लिम स्मार्ट लैपटॉप है, 840G4 इसका मॉडल नंबर है, और कोर i5 का 7th जनरेशन है, साफ़ सुथरी मशीन है, अपनी ओरिजिनल कंडीशन, ओरिजिनल हालत है, बेहतरीन कंडीशन की मशीन है, SSD इसके अंदर लगी हुई है, SSD भी इसके अंदर NVMe लगी हुई है, जो कि SSD की भी एक बात की टेक्नोलॉजी है, ये आप जूम करके दिखा दें। i5 का 7th जनरेशन है, 8 GB रैम है DDR4 की, 128 GB NVMe लगी हुई है, 500 GB इसके अंदर स्टोरेज अलग से भी अपनी भी लगी हुई है, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की मशीन है, कंडीशन आप देख सकते हैं अपने ओरिजिनल हालत के अंदर है, साफ़ सुथरी ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर ये है, यूज़ लेकिन कंडीशन आपके सामने, कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन के अंदर ये मॉडल है, ये हम आपको दे देंगे 60,000 के अंदर, 60,000 रुपये में दे देंगे लैपटॉप। ये हमारे पास सारी वैरायटी अवेलेबल है, एक और मॉडल है न्यू लोगों के अंदर ये कहलाता है, ये राइजन की मशीन है, बेसिकली ग्राफिक के काम के लिए यूज़ होती हैं, लाइट वेटेड है, बहुत खूबसूरत मशीन है, न्यू लोगों कहलाती है ये, न्यू लोगो वाली मशीन है, ये राइजन की मशीन है, ये 65,000 की पड़ेगी आपको, ये भी 8 GB DDR4 इसके अंदर रैम है, 128 GB NVMe लगी हुई है, और स्क्रीन साइज़ वगैरह आप देखें बिल्कुल बेहतरीन है, कंडीशन आप देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन है, अब इसके ऊपर एक हमने कपड़ा भी नहीं लगा हुआ, अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर है, सारे लोग जो भी लैपटॉप मैं आपको दिखाऊंगा ये लैपटॉप सब अपनी ओरिजिनल कंडीशन है, ओरिजिनल हालत, कोई लैपटॉप खुला हुआ बना हुआ रिपेयर हुआ हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ये मॉडल आपको मिल जाएगा, ये कोर i5 का 5th जनरेशन का मॉडल है, 500 GB इसकी स्टोरेज है, 8 GB की रैम है, ओरिजिनल फ्रंट कैम है, स्क्रीन साइज़ वगैरह आप देखें बेहतरीन है, कंडीशन आप देखें साफ़ सुथरी कंडीशन है, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन का ये मॉडल है। डेल की ये सीरीज़ है, 5th जनरेशन है, ये आपको हम दे देंगे 40,000 के अंदर, 40,000 जी, 40,000 रुपये में दे देंगे, बेहतरीन चीज़ है। इसमें टच भी मिल जाएगा, नॉन टच भी मिल जाएगा, ये हमारे पास दोनों वैरायटी अवेलेबल है, मैंने आपको उससे पहले जो HP दिखाया है i5 का 7th वाला, उसमें भी टच भी मिल जाएगा, नॉन टच भी मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 40,000 के अंदर। टच का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, टच वाली भी दिखा देता हूँ, ये टच वाला मॉडल है, टच का जो मॉडल है उसकी थोड़ा सा क्रिस्टल स्क्रीन है ये आपको, ये और इसकी जनरेशन भी थोड़ा वो 5th जनरेशन था, ये 6th जनरेशन का मॉडल है, 8 GB DDR4 की रैम है इसके, रैम है और 128 GB NVMe इसके अंदर लगी हुई है, टच स्क्रीन है, 48500 का पड़ेगा टच स्क्रीन मॉडल। अच्छा, जनरेशन भी ये 6th जनरेशन है। अच्छा, इसके अलावा HP में अगर आपको चाहिए तो HP में 6th जनरेशन ही मिल जाएगा, 4th जनरेशन ही मिल जाएगा, सेम वेरियंट है, सेम मॉडल है,
ये वाला मॉडल है। 4GB रैम, 128GB SSD स्टोरेज के साथ, 4th जनरेशन i5 में लेते हैं 35 का पड़ेगा, 6th जनरेशन में लेते हैं तो आपको 46 का पड़ेगा। 6th जनरेशन ये पड़ा हुआ मॉडल, ये वाला मॉडल लुक लाइक बिल्कुल सेम होता है, इसके बिल्कुल लुक लाइक बिल्कुल सेम है, वही SSD इसमें भी लगी हुई है, इसमें भी लगी हुई है, दोनों में। अच्छा, इसके आगे की आप जाएँ, लिनोवो की ये मशीन है, स्लिम स्मार्ट सी मशीन है, ये भी कोर i5 की 7th जनरेशन है, 8GB इसके अंदर रैम है और 128GB NVMe लगी हुई है इसके अंदर, 500GB वाला वेरिएंट मिल जाएगा, थंब प्रिंट दिया हुआ है इसके अंदर बायोमेट्रिक के लिए, और कोर i5 का 7th जनरेशन का ये मॉडल है, 8GB DDR4 की रैम है, ये मॉडल बहुत मुनासिब पैसों के अंदर स्लिम स्मार्ट सा मॉडल है, पैसों की अगर आप बात करें तो हम ये दे रहे हैं 45 के अंदर, 45 में। कंडीशन आप देखें बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन है, ये जो भी कंडीशन है अपनी ओरिजिनल हालत है, ये बिल्कुल नोटबुक टाइप का मॉडल है, बहुत लाइट वेटेड है, किसी ने अगर कैरी करना हो साथ, हर वक्त ज़्यादा कैरी करना है या काम है साथ ले लेके घूमना है, तो बड़े जो साइज़ के मॉडलों में थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं, इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा 45,000 के अंदर। अच्छा, इसके अलावा आगे की आप बात करें तो इसके अलावा एक ये मॉडल आपको मिल जाएगा, ये आपको मॉडल मिल जाएगा, ये i3 का जनरेशन 4th है, 4GB रैम, 500GB स्टोरेज के साथ ये आपको मॉडल मिल जाएगा, बेहतरीन चीज़ है, 15.6 स्क्रीन साइज़ है, न्यूमेरिक कीबोर्ड वाला मॉडल है, 15.6 इसकी स्क्रीन साइज़ है, ये आपको हम दे देंगे 32,000 के अंदर, 32,000 रुपये में दे देंगे आपको। 4GB रैम है इसके अंदर, 500GB स्टोरेज है, 4GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट मिल जाएगा। बाकी ये कोई भी मॉडल अगर आपको हमारी वीडियो में पसंद आ रहा है तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी करवा सकते हैं, ये सारे लैपटॉप एक्सटेंडेबल हैं, रैम बढ़ा सकते हैं, हार्ड ड्रेव बढ़ा सकते हैं, कम करवा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि बिल्टन है और जो लगी हुई है बस उसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपना जो चाहें इसमें इजीली कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके आगे की बात करें, एक ये QM प्रोसेसर वाली 4th जनरेशन i7 की मशीन है, ग्राफिक वाली मशीन है, कंडीशन आपके सामने है, 8GB इसकी रैम है, 128GB SSD स्टोरेज लगी हुई है इसके अंदर, 15.6 क्रिस्टल स्क्रीन है, QM वाला प्रोसेसर है, ये आपको मशीन पड़ेगी 55,000 रुपये की, 55,000 की, मेटल फुल मेटल बॉडी के अंदर है, तोशिबा की यह है, बिल्कुल साफ सुथरी मशीन है, आप देखते थे कंडीशन इसका, हमारे पास क्यों प्रोसेसर 55,000 रुपये में, एक और वेरिएंट भी अवेलेबल है टच स्क्रीन के अंदर, ये वाला वेरिएंट ये टच स्क्रीन के अंदर अवेलेबल है, तोशिबा का है ये, इसकी स्क्रीन साइज भी बड़ा है, बैकलाइट कीबोर्ड है, 8GB रैम है, 128GB SSD लगी हुई है, 17 इंच की क्रिस्टल स्क्रीन है ये, वो 15.6 था, ये 17 इंच है, प्राइस दोनों की सेम है, ये टच स्क्रीन के अंदर है और वो नॉन टच के अंदर है, लेकिन प्राइस दोनों की सेम है, ये भी i7 की QM प्रोसेसर वाली मशीन है, मशीनें काफ़ी सारी हैं, मैं आपको जितना वीडियो में मैं कवर कर सकता हूँ उतना मैं आपको दिखाता हूँ, मुनासिब पैसों के अंदर एक ये भी बहुत प्यारी 32,000 रुपये की मशीन है, ये i5 का जनरेशन 4th है, 4GB रैम, 128GB SSD लगी हुई है, स्लिम स्मार्ट सा मॉडल है, मेटल बॉडी के अंदर है, डेल का ये वेरिएंट है, i5 का जनरेशन 4th है, सिर्फ 32,000 रुपये हम दे रहे हैं, साफ सुथरी मशीन है, स्लिम स्मार्ट सी है, इजी टू कैरी है, हर वक्त साथ लेके घूम सकते हैं इसको, काम करने में जितनी मशीनें दिखाई हैं इनमें आप सॉफ्टवेयर वगैरह काम इजीली, ऑनलाइन काम, आजकल के जो स्टडीज़ पर्पज़ के हवाले से यूज़ हो रहे हैं वो सारे काम इसके अंदर ईजिली कर सकते हैं। ये आप देखें, ये फिजिस्ट्रो कंपनी है, जैसे सोनी कंपनी थी, जैपनीज ये कंपनी है, i5 का 3rd जनरेशन है, 4GB रैम है, 500GB स्टोरेज के साथ ये आपको दे रहे हैं 27,000 रुपये में, 27,000 के अंदर हम आपको ये दे रहे हैं, बहुत प्यारी मशीन है ये भी, जितनी आपको मैं मशीनें दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल स्लाइटली मशीनें यूज़ हुई हुई हैं इनके, 30,000 के अंदर एक ये लिनोवो की मशीन मिल जाएगी, कोर i5 का 3rd जनरेशन है, 4GB रैम, 128GB SSD स्टोरेज, 15.6 क्रिस्टल स्क्रीन है, ओरिजिनल फ्रंट कैम है इसका, कंडीशन आपके सामने है, कंडीशन मैं बार बार असल में कंडीशन को इसलिए फोकस करता हूँ कि असल में ग्रेडिंग के पैसे होते हैं, जो हम स्टॉक मंगवाते हैं ये अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर मंगवाते हैं, कोई भी इसके अंदर खुला हुआ या मिसिंग पार्ट्स वगैरह के अंदर हम नहीं मंगवाते, वो थोड़ा आपको मार्केट से सस्ता मिल जाएगा, 2-4 हज़ार आप बचा लोगे, लेकिन एक बेहतर है कि 2-4 हज़ार को ना देखें, आप चीज़ देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको मैं मॉडल दिखा रहा हूँ, इसमें देखें ये बिल्कुल गोल्डन गोल्डन ही अंदर से हो रही है, स्लाइटली यूज़ हैं, कंडीशन ही बता रही है कि बिल्कुल हल्के फुल्के यूज़ हुए हैं। कौन सी कंट्री के यूज़ हैं? सारे US के ही, जितने भी आपको मैंने मॉडल बताई हैं सारी टोटल इम्पोर्ट जो है वो सारी हमारी US की है। तो इसके आगे चलते हैं, ये वाला जो मॉडल है ये टोक्यो की इम्पोर्ट है, जापनीज HP का, लेकिन HP कंपनी है, लेकिन ये इम्पोर्ट जो है वो टोक्यो की है, जापान की इम्पोर्ट है। 4GB रैम है इसके अंदर, 128GB SSD स्टोरेज है, 15.6 इसका डिस्प्ले है, कोर i5 है, 3rd जनरेशन है, ये 30,000 का पड़ेगा, मेटल बॉडी के अंदर है, यहाँ पे बायोमेट्रिक दिया हुआ है, बायोमेट्रिक लॉक दिया हुआ है, फिंगरप्रिंट सेंसर, टॉप से देखना चाहें तो इसका टॉप से इस तरह का वेरियंट है, बहुत प्यारी मशीनें हैं जितनी भी इसकी, हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल है, जिस आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो, इसके अलावा जो आप मेरे पास देख रहे हैं इसके अलावा आपकी भी अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। ये एक मॉडल है, ये i7 का 6th जनरेशन है, 65,000 की ये मशीन पड़ेगी आपको, 8GB रैम है इसके अंदर, 128GB NVMe है, 500GB स्टोरेज है, 15.6 डिस्प्ले है, कोर i7 का 6th जनरेशन है, ये आपको 65,000 की मशीन पड़ेगी, बेहतरीन HP की मशीन है। इसके अंदर एक और वेरियंट आपको मिल जाएगा हमारे पास,
डेल का, ये एचपी दिखाया था, ये आपको डेल दिखाऊँ, या आई सेवन का सेवन जनरेशन है, 70,000 रुपये की मशीन, 8 GB DDR4 की रैम, 256 GB NVMe, ओरिजिनल कैम, 15.6 डिस्प्ले, न्यूमेरिक कीबोर्ड, डेल का मॉडल है इसका, ये वाला मेटल बॉडी है टॉप से, ये इसकी, ये 70,000 रुपये की मशीन पड़ेगी। फिर भी इसके अलावा भी किसी को कोई रिक्वायरमेंट हो तो हमसे रब्ता कर सकता है। एक और मॉडल आपको मैं दिखाऊँ, 40,000 का पड़ेगा आपको, जनरेशन 4 का 15.6 बायोमेट्रिक वाला मॉडल है ये भी, और 4 GB रैम है इसके अंदर, 128 GB SSD स्टोरेज है, 15.6 डिस्प्ले है, एक HP की मशीन है, ये आपको 40,000 रुपये की पड़ेगी। टॉप से देखना चाहें तो टॉप से इस तरह का इसका है, बहुत प्यारी मशीन है ये चलने में, यूज़ करने के हिसाब से। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे और वैराइटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि अब इस तरह का मॉडल मिल जाएगा आपको, इस तरह के मॉडल मिल जाएंगे आपको, ये मुनासिब पैसों के अंदर मिल जाएंगे आपको इस तरह के मॉडल, तकरीबन ये आपको 25 का मिल बढ़ जाएगा, 4 GB रैम, 250 GB स्टोरेज के साथ ये आपको मिल जाएगा, ये भी आपको 23,500 का मिल जाएगा, 23,500 रुपये का मिल जाएगा। मॉडल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये के ऐसे तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी होती जाएगी, पड़ेगा 4 GB रैम, 250 GB स्टोरेज, कोर i3 की मशीन है, जनरेशन सेकंड है, क्रिस्टल स्क्रीन है, ओरिजिनल कैम है, टॉप से देखना चाहें तो टॉप से इस तरीके के, 9 सेल की बैटरी के साथ है, ये HP का एक मॉडल मिल जाएगा आपको, 17 इंच डिस्प्ले, ये 25,000 रुपये का पड़ेगा आपको, सेकंड जनरेशन की मशीन है, क्रिस्टल बड़ा इसका डिस्प्ले है, होते हैं कि बाज़ात लोग वीडियो वगैरह के शौकीन होते हैं या यूट्यूब देखने के ज़्यादा शौकीन होते हैं, स्क्रीन साइज़ बड़ा चाहिए होता है इनको, नॉर्मल से बड़ा चाहिए होता है, तो फिर ये इस तरह का 17 इंच की मशीन है, ये HP की मशीन है ये। वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो के अलावा कुछ पसंद आया, आपकी रिक्वायरमेंट तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे तरीके से एंटरटेन करेंगे, रिप्लाई भी आपको लाजमी मिलेगा और ऑन टाइम मिलेगा इंशाल्लाह ताला, तो वीडियो देखने का शुक्रिया। बताएं, ये हार्ड ड्राइव मुझे नज़र आ रही है क्या? हाँ, अच्छा, ये हार्ड ड्राइव है बेसिकली, ये डेस्कटॉप की हार्ड ड्राइव है। डेस्कटॉप की हार्ड ड्राइव हार्ड ड्राइव का भी हमारा है काम है, चार्जर्स आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के हमारे पास चार्जर्स है, ये इसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी कैपेसिटी की है, जैसे कि ये 1 TB की हार्ड ड्राइव है, हाँ 1 TB है, ये 4,500 रुपये की पड़ेगी, 1,000 GB जो होती है 4,500 रुपये की पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई चाहिए 500 GB हमारे अवेलेबल है, तकरीबन 8 TB तक अवेलेबल है, 8,000 GB तक की अगर आपको चाहिए तो 8,000 GB तक की हमारे पास आपको हार्ड ड्राइव मिल जाएंगी की। और अगर आप लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में मैक्सिमम आती है 1,000 GB तक आपको मिल जाएगी, आती 2 TB भी है, लेकिन 2 TB इस वक्त थोड़ा सा रेयर है, मुश्किल से मिलती है, 1,000 GB तक आपको मिल जाएगी हार्ड ड्राइव। बाकी इसके अलावा तमाम टाइप के जितने भी हमारे पास जो लैपटॉप के चार्जर हमारे पास मिल जाएंगे, चाहे वो डेल हो चाहे वो HP हो, किसी भी तरह का कोई भी आपको हो, आपको लैपटॉप के तमाम चार्जर भी हमारे पास इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे।